एक्सरसाइज 2.9, जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को बताया था एक्सरसाइज 2.8 में, कि यहाँ पे जो हम एक्सरसाइज 2.8, एक्सरसाइज 2.9 और एक्सरसाइज 2.10 में जो कह रहे हैं वो हम कह रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। क्या था उसमें? एक्सरसाइज 2.8 में हमने डेरिवेटिव को यूज़ करते हुए फंक्शन की को एक्सपेंड करना या फंक्शन की एक्सपेंशन करना सीखा। इसी तरह आप एक्सरसाइज 2.9 में हम देखेंगे कि एक फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, फंक्शन को चेक करना हो तो उसके लिए हम क्या क्राइटेरिया यूज़ करते हैं, और यहाँ पे हमारे पास डेरिवेटिव के कैसे हमारी जो है वो हेल्प करते हैं। मतलब डेरिवेटिव के थ्रू हम किसी भी फंक्शन की का इंक्रीज करना या डिक्रीज करना जो है वो चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं? उसके लिए ये जो थ्योरम आपको नज़र आ रहे होंगे ये जो है वो देखते हैं। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, ये आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 105 पे ये थ्योरम है, ठीक है। लेट एफ बी आर डिफाइंड ऑन एन इंटरवल ए बी, मतलब ये उसकी डोमेन है, ये फंक्शन की डोमेन है जिस पे डिफाइन होता है फंक्शन, उस इस इंटरवल पे इस डोमेन, ये इसकी डोमेन सेट है। लेट एक्स वन एंड एक्स टू बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, राइट। देन एफ इज इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल ए बी, तो कहेंगे इस डोमेन सेट पे एफ फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है इफ एफ ऑफ एक्स टू ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स वन वेन एवर एक्स टू ग्रेटर देन एक्स वन, ठीक है। इसको इस तरह आप देखते हैं, जैसे कि ये आपके पास एक ग्राफ हो, फॉर एग्जाम्पल एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, आपके पास रेक्टेंगुलर, आपके पास एक्स वाई प्लेन है, राइट। अगर मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू लेती हूँ, ठीक है, इंक्रीजिंग क्या होगा वो डेप, इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब ये है कि वो फंक्शन जो है वो हर वैल्यू, हर एक्स की हर बढ़ती वैल्यू के साथ वाई की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है, ठीक है। यही होगा ना, एफ ओफ एक्स टू किसकी वैल्यू है? वाई की वैल्यू है। एफ ओफ एक्स वन भी डेफिनेटली वाई की वैल्यू है। तो जब हम इसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू जो है वो बढ़ती है, जैसे कि यहाँ से इस तरफ मूव कर रही है, तो क्या हो, वाई की वैल्यू भी बढ़े। उसको हम ग्राफ को प्लॉट करके ड्रॉ कर लें, जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 1 में सीखा है, तो हम कहेंगे ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। लेकिन अगर ये हो एफ इज डिक्रीजिंग ऑन द इंटरवल ए बी, एफ एक्स की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ, मतलब एक्स की वैल्यू तो इंक्रीज कर रही है लेकिन वाई की वैल्यू क्या हो, डिक्रीज कर रहे। यहाँ से जैसे एफ ऑफ एक्स वन की फॉर एग्जाम्पल वैल्यू 2 आए, लेकिन एफ ऑफ एक्स टू की वैल्यू जो है वो 1 आ जाए, मतलब जैसे ये वैल्यू इंक्रीज करे अकॉर्डिंग टू वाई वैल्यू जो है वो डिक्रीज करे, तो हम कहते हैं कि ये फंक्शन जो है वो इस इंटरवल पे डिक्रीजिंग है, राइट। अच्छा, इसी तो हमने एक्सप्लेन किया कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन होता क्या है। अब इसको इस तरह चेक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसके लिए हम कुछ थ्योरम यूज़ करते हैं जिससे हमें किसी फंक्शन की इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करना जो है वो कंपेरेटिवली इजी हो जाता है। देखिए थ्योरम, ये आपके थ्योरम जो है वो पेज नंबर 105 पे है। लेट एफ पी आर डिफरेंशियल ऑन एन ओपन इंटरवल, मतलब इस डोमेन के लिए वो फंक्शन जो है उसके डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं, वो डिफरेंशियल है। डेरिवेटिव के एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि स्टीनिस जो लिमिट होती है, यानी कि फोर्थ स्टेप में आपको पता है ना कि हम लिमिट ऑपरेट करवाते हैं, जिसे हम कहते हैं स्टीनिस रेट ऑफ चेंज, तो उसका मतलब है कि वो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। मतलब इस डोमेन में हमारे पास फंक्शन जो है वो उसके डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं। एफ इज इंक्रीजिंग ऑन ए बी, तो हम कहेंगे इस डोमेन के लिए एफ इंक्रीजिंग है इफ एफ प्राइम ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। देखिए अब हमें इस तरह, हमें ये तो समझ आ रही थी कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा था कि हम इसको चेक करें कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमारी डेरिवेटिव भी हमारी हेल्प करती, ठीक है, कि अगर इस गिवन डोमेन के की हर वैल्यू के लिए फंक्शन जो है वो पॉजिटिव होगा, तो हम कहेंगे कि वो सॉरी फंक्शन नहीं, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव यानी कि डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव वैल्यू देगा इस डोमेन की सब वैल्यू के लिए, फंक्शन की डोमेन की सब वैल्यू को लेके, तो हम कहेंगे कि ये इंक्रीजिंग है। सेम ऐसे अगर हम कहेंगे फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग है, अगर हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो लेस देन 0 होगा यानी कि नेगेटिव होगा किसके लिए, इस डोमेन की सब वैल्यूज के लिए, तो हम कहेंगे ये कि डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब आप हमारे पास कुछ और थ्योरम भी है, इसको हम कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमें क्या बताता है? लेट एफ पी आर डिफरेंशियल इन नेबरहुड ऑफ सी, मतलब किसी सी के नेबरहुड में वो डिफरेंशियल है, वेयर एफ प्राइम ऑफ सी इज इक्वल टू 0, जिस पे हमारे पास फंक्शन की वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है, ठीक है। द फंक्शन हैज़ रिलेटिव मैक्सिमम, अब रिलेटिव ही मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू सी, इफ एफ प्राइम ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 बिफोर एक्स इज इक्वल टू सी, एंड एफ प्राइम ऑफ एक्स जो है वो लेस देन 0 बिफोर एक्स इज इक्वल टू सी,
ठीक है, यानी कि वो मैक्सिमम होगा सी के अराउंड, एक अगर हम उसकी डोमेन में से एक सी पॉइंट ले लें जिस पे फंक्शन जो है सी, कौन सा पॉइंट होगा, वो पॉइंट होगा जिस पे डेरिवेटिव हमें जीरो वैल्यू देगा। सबसे पहले तो हम इस पॉइंट यानी कि सी को फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, हम डेरिवेटिव को इक्वेट करेंगे जीरो पे, और जो वैल्यू आएगी वो हम कहेंगे कि ये हमारे पास सी है। अब सी के, सी वो पॉइंट होगा जिसके जिस पे हमें फंक्शन, अगर सी से पहले, बिफोर सी अगर हमें फंक्शन ग्रेटर देन जीरो वैल्यू देगा, और बिफोर सी हमें लेस देन, आफ्टर सी जो है वो हमें लेस देन जीरो यानी कि नेगेटिव वैल्यू देगा, तो हम ये कहेंगे फंक्शन रिलेटिव मैक्सिमम है। वहाँ पे क्या था, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है, ये रिलेटिव मैक्सिमम या रिलेटिव मिनिमा। रिलेटिव मिनिमा क्या होता है, अगर हमारे पास फंक्शन नेगेटिव होगा बिफोर सी एंड पॉजिटिव होगा आफ्टर सी, तो हम कहेंगे ये रिलेटिव मिनिमा है। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, जी, लेट एफ बी अ डिफरेंशियल फंक्शन इन अ नेबरहुड सी वेयर एफ प्राइम ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो, राइट, देन एफ हैज रिलेटिव मैक्सिमा एट सी इफ एफ डबल प्राइम ऑफ सी लेस देन जीरो। रिलेटिव मैक्सिमम है अगर हमारे पास क्या हो, फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव जो है वो सी वैल्यू पे हमें क्या दे दे, नेगेटिव वैल्यू, और रिलेटिव मिनिमम है अगर सी पे फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव जो है वो हमें क्या दे दे, ग्रेटर देन जीरो वैल्यू। अब ये तो हमने देखा कि थ्रेटिकली, मतलब मैंने प्रूफ आपके सामने रखे, अब कैसे इनको क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। जब आप इनको क्वेश्चन में यूज़ करेंगे तो आपको इन सारे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है उनको मज़ीद आपकी क्लैरिफिकेशन हो जाएगी उसकी। क्वेश्चन नंबर वन, डिटरमाइन द इंटरवल इन विच एफ इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फॉर द डोमेन मेंशन इन ईच केस। जैसे कि डोमेन गिवन है, हमने चेक करना है किस डोमेन के लिए ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और किस डोमेन के लिए ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, हमने जी इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, माइनस पाई टू पाई। माइनस पाई टू पाई का मतलब क्या है जी, ये पाई है ना और ये नेगेटिव पाई है, पाई बाय टू, नेगेटिव पाई बाय टू, राइट, ऐसे ही है ना। ये इस तरह है, हमारे पास माइनस पाई टू पाई तक गिवन फंक्शन है, राइट जी। एफ हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, डेट इज कॉज ऑफ एक्स। अब हमने इसको एफ प्राइम ऑफ एक्स को क्वेट किया जीरो पे, एफ प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू थी कॉज ऑफ एक्स। कॉज ऑफ एक्स जो है जब जीरो लिखा तो हमें कब कॉज ऑफ एक्स जीरो वैल्यू देता है, माइनस पाई बाय टू पे एंड पाई बाय टू पे, यानी कि इन क्वार्ट पे हमारे पास कॉज हमें नेगेटिव वैल्यू देता है, ऐसे ही है ना जी, माइनस पाई बाय टू और पाई बाय टू। हम क्या कर रहे हैं, हम इस पर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा रहे हैं, ठीक है ना। जी, सो वी हैव सब इंटरवल, एक सब इंटरवल हमारे पास क्या हो गया, माइनस पाई टू पाई, माइनस पाई टू पाई, सॉरी माइनस पाई टू पाई बाय टू एंड पाई बाय टू टू पाई। कैसे हमने किया इसको, इस तरह देखिए ना, माइनस पाई टू पाई बाय टू, ये एक इंटरवल बन गया, एक इंटरवल क्या बन गया, माइनस पाई टू पाई बाय टू, और एक इंटरवल बन गया पाई बाय टू टू पाई। क्लियर हो गया, सारा क्वार्ट हमने क्लियर, वो जो है वो उसको कवर कर लिया, मीन्स एक टोटल इंटरवल जो है वो माइनस पाई टू, ठीक है, सब इंटरवल हमने फोर क्वार्ट को इस तरह सब इंटरवल में डिवाइड कर लिया जी। एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स है, ऐसे ही है ना, ये लेस देन जीरो है व्हेन एवर एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई टू पाई बाय टू, ऐसे ही है जी। देखिए कॉज थर्ड में और फोर्थ क्वार्ट में नेगेटिव कब होता है, कॉज सेकेंड क्वार्ट में और थर्ड क्वार्ट में, ऐसे ही है। अब ये देखिए कि ये हमारे पास लेस देन जीरो होगा एक्स वेन माइनस पाई टू पाई माइनस पाई बाय टू, सो एफ इज डिक्रीजिंग ऑन द इंटरवल, राइट। एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो व्हेन एवर, पॉजिटिव कब होगा, माइनस पाई बाय टू टू पाई, माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू में हमारे पास फंक्शन जो है वो कॉस ग्रेटर देन
जीरो रहेगा. सो एफ इज इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल ऑफ दिस. एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस. अब हम बारी बारी इन सारी इंटरवल को डिस्कस कर रहे हैं ना, इसलिए एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो वेन एवर एक्स बिलोंग्स टू पाई बाय टू टू पाई, राइट. सो एफ इज डिक्रीजिंग ऑन द इंटरवल पाई बाय टू टू पाई, राइट. नहीं, यहाँ पे कुछ टाइपो एरर आ गई है. देखिए पाई बाय टू टू पाई कौन सा क्वाड बनता है? सेकेंड क्वाड बनता है. सेकेंड क्वाड पे तो हमारे पास कॉस नेगेटिव होता है ना, तो ये लेस देन जीरो है. ठीक है, ये लेस देन जीरो है. इसका मतलब है ये क्या होगा इस इंटरवल के लिए, ये डिक्रीजिंग है. अब एक मिनट ज़्यादा दूसरों को भी चेक कर लें. जैसे माइनस पाई बाय टू है, माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू पे कौन से क्वाड आ रहे हैं? ये देखें ना, माइनस पाई बाय टू और पाई बाय टू में कौन से क्वाड आ रहे हैं? ये माइनस पाई बाय टू है, राइट, और ये पाई बाय टू है. इसमें ये दोनों, ये फोर्थ और कौन से क्वाड को डिस्कस कर रहा है? फर्स्ट क्वाड को. और इस क्वाड में क्या है हमारे पास? इस क्वाड में कॉस हमारे पास पॉजिटिव होता है, जैसे कि ये लिखा. इसका मतलब है क्या है? इंक्रीजिंग है. क्लियर हो गया? अब माइनस पाई टू माइनस पाई बाय टू के दरमियान कौन से क्वाड आते हैं, इसको देख लें. माइनस पाई, ये माइनस पाई, अगर ये पाई है तो इसके ऑपोजिट जो होता है वो माइनस पाई है. माइनस पाई टू कौन सी चीज हमने किस तरह किया था? माइनस पाई टू माइनस पाई बाय टू, जी, में हमारे पास माइनस पाई टू माइनस पाई बाय टू में हमारे पास कॉस जो है वो नेगेटिव है. कॉस नेगेटिव मीन्स हमने इस क्वाड को भी डिस्कस किया एक में हमने, राइट, जिसमें हमारे पास पॉजिटिव था. हमने क्या करना है एक्चुअली बच्चों, हमने ये करना है कि हमने वो क्वाड, हमने इस पूरे इंटरवल को माइनस पाई टू पाई, यानी कि ये अगर पाई है तो यहाँ पर ये माइनस पाई होता है, राइट. ये पाई बाय टू है तो ये माइनस पाई बाय टू है. हमने इस इंटरवल को इस तरह सब इंटरवल में डिवाइड कर लिया कि हम वो क्वाड अलहदा कर लें जिसमें कॉस पॉजिटिव होता है और उन क्वाड को सेपरेट कर लें जिसमें हमारे पास नेगेटिव होता है. अब पॉजिटिव कब होता है? माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू में हमारे पास पॉजिटिव होता है, सही. इसी तरह पाई बाय टू से लेकर हमारे पास ये हमारे पास क्या है? एंटी क्लॉक वाइज हम इसको रन कर रहे हैं, एंटी क्लॉक वाइज रन करेंगे ना. तो इसका मतलब है माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू में हमारे पास फर्स्ट और से फोर्थ क्वार्ट जो है वो कवर हो जाता है, जो कि हमारे पास जो है वो पॉजिटिव वैल्यू देगा. अब ये भी लेस देन जीरो वैल्यू देता है और ये भी लेस देन जीरो वैल्यू देता है. अब हमारे पास कौन से जो है वो कवर होने वाले रह गए? ये वाले दो क्वार्ट जो है वो कवर होने वाले रह गए ना, ऐसे ही है ना. तो इसका मतलब ये है कि हम इसको लिख सकते हैं पाई बाय टू टू माइनस पाई बाय टू, सही. और इसमें ये जो है वो हमारे पास माइनस पाई बाय टू, जैसे ये है ना, माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू, माइनस पाई बाय टू टू ये पाई बाय टू, ये भी हमारे पास जो है वो क्लॉकवाइज टर्न होगा. वैसे तो इसको जो है वो एंटी क्लॉक वाइज ही रन करना चाहिए. इसमें हमारे पास क्या होगा? ये लेस देन जीरो है तो उसका मतलब है हमारे पास फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, सही. क्लियर हो गया? चल अब सेकंड पार्ट की तरफ आइए. सेकंड पार्ट में क्या है हमारे पास? माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू. माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू का मतलब क्या है? हम डिस्कस करने लगे हैं कौन से क्वार्ट पाई बाय टू टू माइनस पाई बाय टू में हम थर्ड, सेकेंड और थर्ड क्वार्ट को डिस्कस करेंगे, राइट. इसमें हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, डेट इज माइनस साइन ऑफ एक्स. एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो. तो इसका मतलब है हमने जीरो पे जो है ना वो इसको कर सकते हैं, यानी कि माइनस पाई बाय टू जीरो, एक ये हमने इंटरवल बना ली, एंड जीरो टू पाई बाय टू. माइनस पाई बाय टू और जीरो में क्या होगा? माइनस पाई बाय टू टू जीरो. इस पे हमारे पास ये कौन सा क्वाड बनता है जी? माइनस पाई बाय टू जीरो, यानी कि फोर्थ क्वाड बनता है. और फोर्थ क्वाड में हमारे पास क्या होता है? साइन नेगेटिव होता है. इसका मतलब है
माइनस पाई बाय टू, जीरो जीरो टू पाई बाय टू में तो ये हो गई इंक्रीजिंग, ये जो है इसमें मिस्टेक है, ये टाइपो एरर है। इसको देखिए इस तरह, यहाँ पे लेस देन आता है, राइट, यहाँ पे लेस देन वाला आएगा। ये क्या होगा, हमारे पास माइनस पाई बाय टू टू जीरो पे हमारे पास फोर्थ क्वार्ट है जिसमें साइन ऑफ एक्स जो है वो, अच्छा माइनस साइन ऑफ एक्स है ना, सॉरी मैं इस माइनस को इग्नोर कर रही थी, मैं भी कहा शायद मैंने यहाँ लिखते हुए जो है टाइप एरर हो रही है, सही क्लियर। क्योंकि देखिए ना ये माइनस साइन ऑफ एक्स है ना, इसका मतलब है कि माइनस पाई बाय टू टू जीरो पे साइन नेगेटिव होगा, और ये साइन इस साइन के साथ मिलके हमारे पास पॉजिटिव दे देगा, इसका मतलब है इस ट्रबल के लिए ये एफ जो है वो इंक्रीजिंग होगा। जबकि जीरो टू पाई बाय टू पे हमारे पास क्या होगा, जीरो टू पाई बाय टू पे हमारे पास साइन जो है वो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव जो है वो इस नेगेटिव के साथ मिलके लेस देन जीरो हो जाएगा, और फंक्शन जो है वो इस पे डिक्रीजिंग। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स जी? अब अगेन ये करें कि आप हमें जो इंटरवल क्या होता है, अब आपको इससे पैटर्न जो है वो समझ आ गया होगा। हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले फंक्शन का जो है वो डेरिवेटिव कर लेते हैं फाइंड आउट, और उसको क्रिएट कर लेते हैं जीरो पे। देन हम क्या करते हैं, देन हम ये करते हैं कि उस जीरो पे क्रिएट करने के बाद जो वैल्यू आती है उसे फिर हमें इस इंटरवल की पार्टीशन करना इजी हो जाता है, ताकि उसके अराउंड हम चेक कर लेते हैं कि इस इंटरवल पे पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और उस इंटरवल पे पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्लियर? जैसे 4 - x² है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, -2x। f प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, जी -2x इज इक्वल टू जीरो, इट इम्प्लाइज डेट एक्स इज इक्वल टू जीरो, राइट। सो वी हैव सब इंटरवल -2 to 0 एंड 0 to 2। अब चेक कर ले, -2 ऑफ एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, ये सारी जो है वो नेगेटिव वैल्यू है, -2 to 0 तक जो है जीरो, ये ओपन इंटरवल हमें शो कर रहा है कि -2 और 0 इसमें शामिल नहीं है, लेकिन -2 और 0 के बिटवीन जो भी वैल्यू है वो इस सम में इंक्लूडेड है, रियल लाइन का वो पीस हमें इसमें शामिल है, राइट। -2 to 0 में हमारे पास सारी नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू जब इस नेगेटिव से मिलेगी, जब एक्स की जगह पे हम इन वैल्यूज इसमें से वैल्यू निकाल के यहाँ पे एक्स की जगह पे रिप्लेस करेंगे, एक्स को रिप्लेस करेंगे इन वैल्यूज में से, तो क्या होगा, नेगेटिव इस नेगेटिव से मिलकर पॉजिटिव हो जाएंगे। सो ये हमारे पास फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल, सेम ऐसे ये डिक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स जी? अब हमारे पास क्या है नेक्स्ट, बिल्कुल वैसे ही हमने जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन फाइंड आउट कर लिया। अब आपको डेरिवेटिव करना तो आपके लिए सिंपल से सेंटेंस का बहुत ही आसान होगा। इसको इक्वेट कर लिया जीरो पे, इक्वेट करने के जीरो से हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, -3/2। इसका मतलब है कि हमें इसको इस तरह इंटरवल में डिवाइड कर सकते हैं। अब ये जो है वो ब्रेसिस हैं, ओपन इंटरवल नहीं है, इसका मतलब है कि -4 और 1 जो है वो इंक्लूडेड हैं। इसको इस तरह ओपन इंटरवल्स में लिखिए, तो इसका मतलब ये हुआ, ये बेटे यहाँ पे ब्रेसेस नहीं है बल्कि ये राउंड ब्रैकेट्स हैं, राइट। इसका मतलब है कि -4 और 1 के बिटवीन जो पीस है रियल लाइन का वो तो इंक्लूडेड है, बट -4 एंड टर्म्स और 4 जो के अपर एंड है वो इसमें शामिल नहीं है इस पीस में जी। तो हमने किस तरह किया, इंटरवल को डिवाइड -4 to -3/2 and -3/2 to 1 कर लिया। क्लियर हो गया जी? फंक्शन का हमने देखा, अब -4 to -3/2 सारी की सारी वैल्यूज इस टर्म में नेगेटिव आ रही हैं, ठीक है, नेगेटिव आ रही हैं। देखें यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू रिप्लेस करेंगे एक्स पे, और जब 2 के साथ करेंगे -4 और 3/2, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, ये वैल्यू जो है 2 से मल्टीप्लाई होगा, वो वैल्यू बड़ी हो जाएगी, 3 में से निकाल देंगे डेफिनेटली, तो वो लेस देन 0 ही रहेगा। इसका मतलब है इस इंटरवल के लिए फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग हो जाएगा, और इंक्रीजिंग क्या होगा, -3/2 to -3/2 to 1। -3/2 to 1 पे हमारे पास फंक्शन जो है वो क्या होगा, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, और -3 पहली अगर टर्म फॉर एग्जाम्पल -3/2 ही पुट कर लेते हैं, इवन कि वो शामिल नहीं है जी, -3/2 को यहाँ पे रिप्लेस करें, 2 2 से कैंसिल हो गया, -3 + 3 क्या हो गया, इक्वल टू 0 दे दिया, ऐसे ही है ना। इसका मतलब है कि ये वैल्यू तो हमें डेफिनेटली ये 0 वैल्यू देगी, क्योंकि ये हमने इस यहाँ से ही तो फाइंड आउट किया है, ये वो कौन सी वैल्यू जिसपे हमारे पास डेरिवेटिव की वैल्यू जो है वो 0 आती है। क्लियर? तो इसका मतलब है इससे आगे वाले टर्म्स पे जो है वो वैल्यू, कोई भी इसमें से वैल्यू उठा के आप इस एक्स पे रिप्लेस कर दें, तो आपके पास क्या होगा, फंक्शन की पॉजिटिव वैल्यू आएगी, मीन्स डेट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ग्रेटर देन 0, सो एफ इज इंक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल। क्लियर?
कहते हैं फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डिफाइंड एज. अब हमने इस फंक्शन जो हमें गिवन फंक्शन है उनकी एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड आउट करनी है. कैसे एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जी? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को यूज करते हुए हम इसकी एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. देखिए, सबसे पहले तो हम फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे. फर्स्ट पार्ट आप इसका देखिए, फंक्शन का डेरिवेटिव लिया और उसको स्टेशनरी पॉइंट या फिर इसको क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या कहते हैं, फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वेट करते हैं जीरो पे. एंड जो पॉइंट हमारे पास आते हैं वो क्या कहलाते हैं जी? वो पॉइंट्स हमारे पास जो है वो क्रिटिकल स्टेशनरी पॉइंट भी कहलाते हैं. सही, फर्स्ट स्टेशनरी या क्रिटिकल पॉइंट पुट एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो. जी यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाए, आ गई जी जीरो आ गई. हमने इसको अगेन डिफ्रेंशिएट किया तो हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव आ गया, डेट इज माइनस सिक्स इंटू एक्स. नो पुट, जो हमने स्टेशनरी पॉइंट निकाला था वो उसको इसमें पुट किया तो हमारे पास जीरो आ गया. मतलब तो इसका मतलब है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट तो फेल हो गया ना. एक्सट्रीम वैल्यू तो उसने हमें कोई नहीं दिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें देगा. तो हम फिर इसके लिए अगर इस तरह सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाए तो फिर हम क्या करते हैं? फिर हमने इसको इस तरह करना है कि हम पुट करते हैं x इक्वल टू जीरो माइनस एप्सिलॉन. एप्सिलॉन क्या होता है? वेरी 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 स्मॉल वैल्यू बट ग्रेटर देन जीरो. ठीक है, बहुत 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 छोटी सी कोई स्मॉल वैल्यू है. जीरो माइनस एप्सिलॉन क्या हो जाएगा? माइनस एप्सिलॉन पुट इन वन. इसमें वन में पुट किया हमारे पास ये आ गया, डेट इज लेस देन, यानी कि फर्स्ट डेरीवेटिव हमारे पास क्या आ गया, लेस देन जीरो हो गया. सही. अच्छा, इसमें माइनस एप्सिलॉन का स्क्वायर लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा और माइनस थ्री जो है वो एज इट इज साथ में आ गया. इसी तरह पुट जीरो प्लस एप्सिलॉन इन वन तो हमारे पास क्या हो गया, अगेन हमारे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स जो है वो लेस देन जीरो हो गया. सो एज एफ प्राइम ऑफ एक्स डज नॉट चेंज इट्स साइन बिफोर एंड आफ्टर एक्स इज इक्वल टू जीरो. हमने कहा था ना कि जो स्टेशनरी पॉइंट होते हैं वो होते हैं जिस पे फंक्शन अपना मूड चेंज कर लेता है, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग की तरफ चला जाता है. ठीक है, हमने ये टेस्ट जो है वो डिस्कस किया हुआ है इसकी स्टार्टिंग में. तो यहाँ पे तो ये हुआ कि इसने तो चेंज नहीं किया, एक्स के जो स्टेशनरी पॉइंट हमने निकाला था जो कि जीरो आया था उसके अराउंड इसने तो अपना फंक्शन ने के डेरिवेटिव ने अपने आप को चेंज नहीं किया, वही साइन आ रहे हैं वो बिफोर भी, यानी कि बिफोर जीरो से बिफोर का मतलब क्या है, एक्स से स्मॉल होना, वेरी एक्स से वेरी वेरी स्मॉल होना. ये जीरो माइनस एप्सिलॉन यही शो कर रहा है, मतलब थोड़ा सा एक्स से पीछे, और ये क्या कह रहा है, आफ्टर एक्स को शो कर रहा है. तो फिर क्या हो गया जी, फिर हम इसको क्या कहेंगे, सिंस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन, देयरफॉर जीरो वन इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. अब हमने क्या किया जी, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू फाइंड आउट की विच इज इक्वल टू वन आ गई. ठीक है, इसमें एफ ऑफ एक्स में यानी कि गिवन फंक्शन में हमने जीरो रिप्लेस किया डेट जो कि स्टेशनरी पॉइंट था और हमारे पास फंक्शन की वैल्यू जो है वो क्या आ गई, वन आ गई. तो हम कहेंगे कि जीरो से वन पे ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है जीरो टू वन इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होते हैं, मैं इसको जो है वो यहाँ पे एक दफा अगेन रिपीट कर देती हूँ. द फंक्शन एफ इज इंक्रीजिंग बिफोर एक्स इज इक्वल टू जीरो and also it is increasing after x is equal to 0. Such a point of the function is called the point of inflection, right? और स्टेशनरी पॉइंट क्या होते हैं, स्टेशनरी पॉइंट जो होते हैं वो टर्निंग पॉइंट कहलाते हैं जिस पे फंक्शन जो है वो मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट की तरफ जो है वो या तो उसे इधर इधर स्टेशनरी पॉइंट इज अ टर्निंग पॉइंट इफ इट इज इधर अ मैक्सिमम पॉइंट और अ मिनिमम पॉइंट, राइट. जी क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू हमारे पास ये है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू विद रिस्पेक्ट टू एक्स. हम इसका
फर्स्ट डेरिवेटिव लिया हमने टर्निंग पॉइंट यानी कि स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करेंगे कैसे एफ प्राइम ऑफ एक्स को जीरो रिप्लेस करते हुए जो कि 1/2 आ गया। फर्स्ट डेरिवेटिव को अगेन डिफ्रेंशिएट किया, सेकंड डेरिवेटिव आ गया। सेकंड डेरिवेटिव में हमने क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हम कैसे लगाते हैं उस पर, हम सेकंड डेरिवेटिव में हम स्टेशनरी पॉइंट पुट करते हैं, अगर वो पॉजिटिव आ जाए तो हम कहते हैं ये एफ एक्स इज मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू 1/2। ठीक हो गया कि हमारे पास फंक्शन जो है वो इस स्टेशनरी पॉइंट पे मिनिमा है। तो फिर अब इसके बाद हमने क्या किया, फंक्शन में 1/2 पुट किया तो वो हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ गई, फंक्शन की ये मिनिमम वैल्यू। क्लियर हो गया। क्योंकि उन्होंने कहा कि एक्सट्रीम वैल्यू आया वो मिनिमम वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 2 हम ये कह रहे हैं कि आपने एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब क्या है कि आया हम देखना है कि फंक्शन जो है वो एक्सट्रीम वैल्यू कब देगा, उन पॉइंट पे देगा जिस पे फंक्शन मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम पहले वो पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, फिर उसको चेक करते हैं कि वो मैक्सिमम है कि मिनिमम है। अब इस पे हमें ये बता दिया कि ये मिनिमम है, इसका मतलब है इस पॉइंट पे हमने फिर इसको फंक्शन में पुट करेंगे और हमारे पास वो एक्सट्रीम वैल्यू आया वो मिनिमम होगी या मैक्सिमम होगी वो आ जाएगी। क्लियर हो गया। सारे स्टेप जो है ना वो अब एज इट इज़ करनी है। अब आपको एक वे बन गया ना, अब आपको आसान लगेगा जी। फर्स्ट फंक्शन गिवन है, हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेट करके फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया, इसको स्टेशनरी पॉइंट या टर्निंग पॉइंट के लिए क्रिएट कर लिया, एक्स इज इक्वल टू पुट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, राइट। यहाँ से क्या हुआ जी, हमने इसको क्रिएट किया तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 3/5 आ गई। अब फर्स्ट फंक्शन को अगेन डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स और उसमें ये वाला पॉइंट पुट कर लें। यहाँ पे देखें 10 आया, डेफिनेटली यहाँ पे एक्स नहीं है इस पर तो पॉइंट पुट करेंगे भी तो हमारे पास 10 ही रहेगा। ठीक, 10 ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब है फंक्शन जो है वो मिनिमम है एट एक्स इज इक्वल टू 3/5 पे, मतलब इस पे हमारे पास वो एक्सट्रीम वैल्यू वो मिनिमम वैल्यू होगी वो देगा। इसका मतलब है कि हमने फंक्शन पे वो वैल्यू पुट की और हमारे पास ये आ गया। क्या कह रहे हैं हम, सबसे पहले अगेन रिपीट कर रही हूँ प्रोसीजर, फंक्शन जो गिवन होगा उसका उससे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हुए हम एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, सॉरी एक्सट्रीम नहीं, हम स्टेशनरी पॉइंट या टर्निंग पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे, फिर हम कंफर्म करेंगे कि आया वो वाकई टर्निंग पॉइंट है कि उस पर फंक्शन हमें मिनिमा या मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। ठीक है, वो कंफर्म करने के बाद फिर हम उस वैल्यू को फंक्शन में पुट करेंगे और वो हमें एक्सट्रीम वैल्यू आया वो मिनिमा होगी या मैक्सिमम होगी वो हमें गिवन दे देगा। इस तरह फोर पार्ट में भी सेम यूज कर रहे हैं, एक्स इज इक्वल टू जीरो हमारे पास टर्निंग पॉइंट आ गया, फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव में पुट किया, ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है मिनिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, उसका मतलब है इस टर्निंग पॉइंट को हमने पुट किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इस तरह फिफ्थ को आप खुद कर सकते हैं जी। इसका नेक्स्ट पार्ट वो अगेन वही प्रोसीजर है, फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वेट किया जीरो, अब ये हमारे पास एक सेकंड डिग्री इक्वेशन बन गई जब इसको इक्वेट करेंगे जीरो पे। ठीक है, और तो उसको जब सॉल्व किया तो हमारे पास सी वैल्यू आ गई। ठीक है, इसको इसके लिए एक और आसान मेथड भी हो सकता है, तो मैंने तो इसको इस तरह जो है वो सॉल्व किया, अब इसको कैलकुलेटर से वैल्यू पॉइंट पर फाइंड आउट कर लें, सेकेंड डेरीवेटिव लें, फर्स्ट डेरिवेटिव को अगेन डिफ्रेंशिएट करें तो आपके पास सेकंड डेरिवेटिव आ गया, सेकंड डेरिवेटिव में ये वैल्यू पुट करें तो जो आपके पास आंसर आएगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब ये है कि इस पे रिलेटिव मिनिमम है एट दिस, और वो मिनिमम वैल्यू क्या होगी फंक्शन की, उसमें ये वाली फंक्शन में ये वाली वैल्यू पुट करें तो आपके पास रिलेटिव मिनिमम आ जाएगी। मैंने इस मेथड को यूज़ करते हुए किया क्योंकि बुक पे आंसर इस तरह का गिवन था। अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है मेथड तो आप इसको कर सकते हैं कि इसकी जो है वो पॉइंट में वैल्यू फाइंड आउट कर लें। ठीक है, और उसको फंक्शन में रख के पॉइंट में वैल्यू आंसर जो है वो दे दें। सही हो गया। अब इसकी दो वैल्यू आएंगी, प्लस माइनस है ना, एक पॉजिटिव वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू। पहले ये हमने पॉजिटिव वैल्यू को डिस्कस किया तो हमारे पास फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आ गई। अगर हम इसकी नेगेटिव वैल्यू को डिस्कस करेंगे और इसको किस नेगेटिव वैल्यू को क्या करेंगे सेकंड डेरिवेटिव में डालेंगे तो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू जो है वो लेस देन जीरो आएगी। इसका मतलब है फंक्शन इस पे रिलेटिव मैक्सिमम है। ठीक हो गया, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू को डिस्कस कर रहे हैं। अब इस वैल्यू को हम फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास जो एक्सट्रीम वैल्यू आएगी वो क्या होगी, ये वाली वैल्यू जो होगी हमारे पास
क्या करना है, अब सिंपल रह गया ना। अब जो हमारे पास उन्होंने ये किया हुआ है, जहाँ पे पॉजिटिव 55 था वहाँ पे नेगेटिव 55 को रिप्लेस कर दिए इस सारी सिचुएशन में जी। तो उससे हमारे पास फंक्शन की जो है वो कौन सी एक्सट्रीम वैल्यू अब आएगी, मैक्सिमम एक्सट्रीम वैल्यू आ जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट पार्ट, हमारे पास ये फंक्शन गिवन है, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लें और उसको इक्वेट करते हुए जीरो पे क्या कर लें जी, उसकी स्टेशनरी पॉइंट या टर्निंग पॉइंट फाइंड आउट कर लें। अब सबसे पहले हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 2 को डिस्कस करेंगे, देन नेगेटिव को डिस्कस करेंगे जी। पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 2 को डिस्कस किया तो क्या किया हमने, फर्स्ट डेरिवेटिव को अगेन डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमने सेकंड डेरिवेटिव ले लिया, डेट इज 12x² - 8। इसमें जो है वो नेगेटिव माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 को पुट किया तो फंक्शन की जो इसकी वैल्यू है सेकंड डेरिवेटिव की एट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 वो क्या होगी, पॉजिटिव आ गई। इसका मतलब है कि फंक्शन एफ हैज रिलेटिव मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इसको आप इस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 को पुट करें फंक्शन में तो हमारे पास वैल्यू जो आ जाएगी, जो एक्सट्रीम वैल्यू होगी यानी कि रिलेटिव मिनिमम वैल्यू, जो मिनिमम वैल्यू होगी फंक्शन की वो -4 हो जाएगी। अब इसमें तीन वैल्यू आई हुई है ना, बल्कि इसमें 4 वैल्यू आनी चाहिए थी, वो तो 4 इसलिए नहीं आई कि 0 आ गया ना, एक प्लस माइनस 0 तो जाहिर 0 ही होता है ना। तो इसका मतलब ये है कि आप 0 को डिस्कस कर रहे हैं, हम जीरो पे हमने के फंक्शन क्या करना है, इसको सेकंड डेरिवेटिव में डाल लें, नेगेटिव वैल्यू आ गई। इसका मतलब है कि एफ हैज रिलेटिव मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू 0, और इसका मतलब है कि हम इसको फंक्शन में डालेंगे 0 को तो हमारे पास रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी यानी कि एक्सट्रीम वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 2 को चेक करें, उस पर भी हमारे पास फंक्शन पॉजिटिव हो गया, फंक्शन पॉजिटिव होगा इसका मतलब है कि रिलेटिव मिनिमम है एट एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 पे, और अब हम इसको फंक्शन में डालेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 को तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वेयर से स्क्वेयर ख़त्म हो गया, 2 का फिर स्क्वेयर 4 हो गया, और ये 2 स्क्वेयर से ख़त्म होकर -4 × 2 = 8 हो गया -4, यानी कि ये आपके पास एक्सट्रीम वैल्यू जो कि मिनिमम वैल्यू है, मतलब एक्सट्रीम वैल्यू उन वैल्यूज को कहते हैं जो कि पॉजिटिव वैल्यू है फंक्शन, वो सॉरी हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है उनको हम कहते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज। इसी तरह आप इसी इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट? इसी तरह आप इस क्वेश्चन को भी सेम वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं जैसे कि हमने पीछे सीखे हैं, एंड 9 पार्ट भी इसका इस तरह ही होगा, ये वाला पार्ट। क्लियर हो गया जी? इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन किया था, वैल्यू ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन अक्रिंग इन द इंटरवल, मतलब ये जो इक्वेशन इसकी इंटरवल होगी वो 0 to π/2 होगी, राइट? वही सारा प्रोसीजर है जो कि हम पिछले क्वेश्चन में सीख चुके हैं। क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा, साइन ऑफ एक्स कॉज ऑफ एक्स -sin(x) जी। स्टेशनरी पॉइंट के लिए इस फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वेट करेंगे जीरो पे तो कॉज ऑफ एक्स -sin(x) लिख सकते हैं इसको, कॉज ऑफ एक्स को राइट हैंड साइड पे ले जाएं, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, साइन बाय कॉज ऑफ एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा, टेन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। ये बिल्कुल वैसे ही इक्वेशन को सॉल्व करना है जैसे कि हमने फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज 14 में किया था जी। एक्स इक्वल टू 10 inverse of 1, किस पे 1 आता है, π/4 पे, और π/5 पे, ठीक है? किसमें आएगा ये, किसमें है, फर्स्ट क्वार्ट में है, ये किसमें है, ये थर्ड क्वार्ट में है, क्लियर? इसमें ही दोनों पॉजिटिव वैल्यू आती हैं, 0 to π/2, राइट? ये दो हमारे पास कौन से पॉइंट आ गए, स्टेशनरी पॉइंट आ गए। अब पहले हम π/4 को डिस्कस करेंगे, देन π/4 को डिस्कस करेंगे जी। इसके लिए हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को अगेन डिफ्रेंशिएट किया तो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ गया यानी कॉज ऑफ एक्स -sin(x), साइन ऑफ एक्स का कॉज ऑफ एक्स। इसमें π/4 को पुट किया तो वैल्यू जो है वो -2 / √2 आ गई यानी कि नेगेटिव आ गई जब उसको सॉल्व किया था। नेगेटिव कैसे आई, इसका एलसीएम ले लिया ना, √2 तो -1 - 2 / √2 नेगेटिव वैल्यू हो गई। तो इसका मतलब है कि एफ हैज रिलेटिव मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू π/4 जी। तो रिलेटिव मैक्सिमम है तो इसका मतलब है एफ फंक्शन हमारे पास इस वैल्यू पे मैक्सिमम वैल्यू देगा, इस वैल्यू को फंक्शन पे में एक्स की एक्स
पे रिप्लेस किया, एक्स पे रिप्लेस किया, तो वैल्यू जो आ गई वो स्क्वेयर रूट ऑफ टू आ गई, डेट इज़ अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। इसी तरह अब हमने सेकेंड यानी कि पाई बाय फोर को डिस्कस कर रहे हैं। पाई बाय फोर को डिस्कस करेंगे तो हमने सेकेंड डेरिवेटिव में पाई बाय फाइव पाई बाय फोर पुट किया, माइनस साइन पाई बाय फोर जो है माइनस वन बाय स्क्वेयर रूट ऑफ टू इसकी वैल्यू आ गई। फाइव पाई बाय फोर की वैल्यू माइनस वन बाय स्क्वेयर रूट ऑफ टू हो गई, दोनों पॉजिटिव वैल्यू हो गई, टू बाय स्क्वेयर रूट ऑफ टू हो गया, डेट इज पॉजिटिव वैल्यू। इट मीन्स डेट एफ हैज रिलेटिव मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय फोर, राइट। तो इस वैल्यू, इसका मतलब है कि इस वैल्यू पे हमारे पास फंक्शन मिनिमा वैल्यू देगा, मिनिमम वैल्यू देगा। इस वैल्यू को फंक्शन में एक्स पे रिप्लेस करें, एक्स पे रिप्लेस करेंगे तो एक्स पाई साइन पाई बाय फोर की वैल्यू माइनस वन बाय स्क्वायर रूट ऑफ टू, कॉस पाई बाय फोर की वैल्यू माइनस वन बाय स्क्वायर रूट ऑफ टू। देखिए थर्ड क्वार्ट था ना, मैंने आपको पहले बताया था कि फाइव पाई बाय फोर जो है वो थर्ड क्वार्ट में लाइव कर रहे हैं, थर्ड क्वार्ट में लाइव कर रहे हैं। इट मीन्स डेट ये दोनों के दोनों, देखिए कॉस की वैल्यू भी नेगेटिव आई और साइन की भी, क्यों? क्योंकि हमारे पास साइन और कॉस दोनों के दोनों नेगेटिव होते हैं थर्ड क्वार्ट जी। माइनस टू बाय स्क्वेयर रूट ऑफ टू हो गया, टू को लिख सकते हैं स्क्वेयर रूट ऑफ टू इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ टू, एक स्क्वेयर रूट टू से कैंसिल होकर बाकी हमारे पास माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ टू रह गया। ये कौन सी वैल्यू है जो मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन है? क्वेश्चन नंबर फोर, शो डेट वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स बाय एक्स हैज मिनिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू ई। सारा प्रोसीजर वही है जी, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x बाय x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डेफिनेटली इस पे क्वेश्चन ट्रू लगेगा। क्वेश्चन ट्रू का किसका, हमने इस तरह डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। क्रिटिकल वैल्यू के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वेट किया जीरो पे, तो हमारे पास क्या हो गया, x दो सब जाके पॉजिटिव हो गया, वन माइनस लॉग ऑफ x इज इक्वल टू जीरो, इट मीन्स डेट लॉग ऑफ x इज इक्वल टू वन। लॉग ऑफ x इज इक्वल टू वन तब देता है जब x जो है वो लॉग ऑफ x वन की वैल्यू लॉग में क्या होती है, लॉग ऑफ e होती है, ठीक हो गया। दोनों तरफ एंटी यूज करें तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाती है, e आ जाती है, लॉग ऑफ e जो है वन होता है, इसलिए मतलब है कि x जो है वो उसकी वैल्यू e आएगी। क्लियर हो गया जी। अब इसका अगेन इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव आ जाएगा। करें जी, हमने इस पर अगेन क्वेश्चन ट्रू लगेगा, क्वेश्चन ट्रू लगा कि इसको इस तरह हमने डेरीवेट किया तो हमारे पास माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स इंटू लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाई x फोर हो गया, राइट। इस पे हमने ई जो सेकंड डेरिवेटिव है इसमें ई पुट कर रहे हैं, जहाँ पे इसको एक्स था वहाँ पे ई रिप्लेस करेंगे, माइनस थ्री ई प्लस टू ई इंटू लॉग ऑफ ई रेस्ट पावर फोर, लॉग ऑफ ई वन हो जाएगा, माइनस थ्री ई प्लस टू ई जो है वो माइनस ई डिवाइडेड बाय ई रेस्ट पावर फोर इज इक्वल टू माइनस ई रेस्ट पावर ई क्यूब है, विच इज़ लेस देन जीरो। और ये लेस देन जीरो है, इट मीन्स डैट फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू, इसका मतलब है कि फंक्शन हैज़ रिलेटिव मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू ई, ठीक है। और इसका मतलब है कि फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देगा किस पे, एट एक्स इज इक्वल टू ई पे, और ये हमने शो करना था। सेम ऐसे क्वेश्चन नंबर फाइव में हमने ये शो करना है, शो डेट वाई इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एक्स हैज मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू वन बाय ई जी। वाई इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एक्स, आपको पहले मैंने एक्सरसाइज 2.7 में भी ये बात समझाई थी, जब हमारे पास इस तरह आ जाए तो हम इस पे अब पावर रूल नहीं लगा सकते, क्योंकि वेरिएबल की पावर भी वेरिएबल ही है। तो फिर क्या करना होगा हमें, फिर हमें करना होगा बोथ साइड हम लॉग ले लेते हैं, ठीक हो गया। लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स रेज टू पावर एक्स क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स लॉग ऑफ एक्स जी, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक। इस पे प्रोडक्ट टू लग जाएगा और लॉग ऑफ वाई वन बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू दिस आ गया जी। इसमें हम अब क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू ये एक्स इससे एक्स से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास वन प्लस लॉग ऑफ एक्स है। अब वाई की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर लें तो ये नंबर वन बन जाएगा जी। अब इस डेरिवेटिव को, जो कोई फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास आ गया है डी वाई बाई डी एक्स आ गया, इसको स्टेशनरी पॉइंट के लिए क्रिएट करेंगे जीरो पे जी। फॉर क्रिटिकल पॉइंट पुट एक्स पुट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो जी, इसको जीरो पे क्रिएट किया। इसका मतलब है ये तो जीरो नहीं हो सकता ना, ये अब दो है, ये इसका मतलब है कि इनमें से एक जीरो होगा, तो हमारे पास आंसर में जीरो आया ना, जबकि ये तो जीरो नहीं हो सकता, ये टर्म तो जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि वन प्लस लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो है, एज एक्स रेज टू पावर एक्स इज नेवर बी जीरो। यहाँ से लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस वन आ गया। अब माइनस वन क्या लिख सकते हैं, माइनस वन को लिख सकते हैं लॉग ऑफ ई,
माइनस वन को नहीं, माइनस एज इट इज, और वन को हमने लिख लिया लॉग ऑफ ई, ठीक हो गया। अब इस तरह हमने लॉग को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन जब तक ये माइनस है तब तक हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन हमें ये पता है कि लॉग से पहले जो टर्म होती है उसको हम पावर में लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये किया कि ई रेज टू पावर माइनस वन इंटू लॉग ऑफ ई। अब हम बोथ साइड लॉग यूज़ किया तो हमारे पास लॉग कैंसिल हो के एक्स क्या हो गया, एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर ऑफ माइनस वन, एक्स इज इक्वल टू वन बाय ई रे हो गया, ठीक हो गया। अब इसको हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को अगेन डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कैसे करेंगे जी, इस पे अगेन प्रोडक्ट रूल लग गया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। फर्स्ट का डेरिवेटिव ऑलरेडी हम जो कर चुके हैं, ठीक है, इसका आंसर ये आया था फ्रॉम वन, तो उसको हमने यहाँ पे रिप्लेस कर लिया, ठीक है। एक्स इज टू पावर वन बाय एक्स, ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया, वन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स जीरो हो गया, लॉग ऑफ एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन बाय एक्स हो गया, ये टर्म एज इट इज़, और ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव को हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर ली। यहाँ से एक्स रेज टू पावर एक्स कॉमन आ गया, वन बाय एक्स प्लस वन प्लस लॉग ऑफ एक्स का स्क्वेयर हो गया, यानी कि ये दोनों मिलकर स्क्वेयर बन गया। ये हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव आ गया। सेकेंड डेरिवेटिव में आप ये स्टेशनरी पॉइंट पुट करें, स्टेशनरी पॉइंट पुट किया जी तो क्या बना, वन बाय ई की पावर वन बाय ई, वन बाय एक्स की रिप्लेस करें वन बाय ई से, प्लस वन प्लस लॉग ऑफ वन बाय ई का होल स्क्वेयर। अब देखिए वन बाय ई की होल पावर वन बाय ई, ये रिवर्स होके ऊपर आ गया, ई प्लस वन प्लस लॉग ऑफ, ये इसको लिख सकते हैं ना, ई रेस्ट पावर माइनस वन, ठीक है, यहाँ पे ये किया का स्क्वेयर हो गया वन बाय ई रेज टू पावर वन बाय ई इंटू ई प्लस जी नेगेटिव पावर जो है वो बैक पे लॉक्स के, आपको पता है कि पावर जो होती है वो लॉक के बैक पे आ जाती है, वो ही यहाँ पे किया और उसका होल स्क्वायर कर लिया, राइट। अब लॉग ऑफ ई जो है वो वन हो गया, वन और वन जो है आपस में कैंसिल होकर जीरो हो गया, वन बाय ई रेज टू पावर वन बाय ई इंटू ई रह गया। ये अब आपके पास एक पॉजिटिव टर्म है, देखिए इस पे कहीं भी नेगेटिव इन्वॉल्व नहीं है, इट मीन्स डेट ये ग्रेटर देन जीरो है, सो वाई हैज़ अ मिनिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू वन बाई ई, और यही हम जो है वो यहाँ पे शो करना चाह रहे थे।